आनंदित हैं? परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज इस साल का अंतिम दिन है, आमीन। कभी हमारा इस धरती पर भी अंतिम दिन होगा, आमीन। लेकिन हमें पता नहीं होगा कि कौन सा हमारा अंतिम दिन होगा, लेकिन हमें अभी से उस अंतिम दिन के लिए तैयार रहना है जो हमारा इस धरती पर होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कल से नया साल शुरू होगा, आज हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बहुत 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 महान है। हालेलुया। आज मैं कुछ आपसे बातें करना चाहता हूं। उस नए साल में हम कैसे जिएंगे, वो नया साल कैसा होगा, मैं आपको बताऊं तो आप सबको पता है, आपको पता है, क्योंकि पुराना साल कैसे बीता है अगर आप उस बारे में जानते हैं, पुराना साल आपने कैसे बिताया है। हालेलुया। आज 2023 हमने गुजारा, अगर हम पुराने साल में की गई गलतियों को महसूस करेंगे, अगर हम पुराने साल में की हुई अपनी त्रुटियों को, अपनी कमियों को जानेंगे और हम पश्चाताप करेंगे और हम महसूस करेंगे कि नहीं, पुराना जो साल गुजरा है उसमें हमने ये खामियां हमारी थी, हम परमेश्वर पर दोष नहीं लगाएंगे और नहीं लगा सकते हम। आज जो भी पुराने साल में आपने पाया है या आपने गंवाया है उसके जिम्मेदार आप हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और जब हमने यीशु मसीह को अपना सर्वस्व माना, अपना प्रभु माना और अंगीकार किया, तो हम, बाइबल कहती है कि पापों से मुक्त हो गए, श्रापों से मुक्त हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रभु में आए, हमने शैतान को जाना कि शैतान किस तरीके से काम करता है। यीशु ने धरती पर आकर प्रकट किया कि शैतान कौन है, किस तरीके से शैतान ने आपको बहकाया हुआ था, किस तरीके से शैतान ने आपको बांधा हुआ था, कौन से ऐसे स्वभाव आपके अंदर थे जो आप शैतान के गुलाम थे, ये प्रभु ने बताया आपको। हालेलुया, आमीन। ये आप जान गए। आपको मसीहत, आपको मसीह जीवन को जीने में कौन बाधक है पता है आपको? शैतान और आपकी इच्छा। आप समझ रहे हैं? मसीह जीवन जीने में कौन बाधक है? नंबर वन शैतान और दूसरी आपकी इच्छा। आप कैसे जीते हैं, आप संसार को कैसे लेते हैं, जो जीवन मिला है उसको आप कैसे देखते हैं, जो प्रभु मिला है उसको आप कैसे देखते हैं। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह एक छत की तरह है। हालेलुया। आप छत के नीचे रहेंगे, प्रभु का अनुग्रह आपके पास है। अगर यहां बारिश हो रही है और मैं यहां पर चर्च के अंदर हूं तो मैं नहीं भीगूंगा, मैं नहीं भीगूंगा, आप नहीं भीगेंगे, लेकिन जैसे ही मैं चर्च के बाहर जाऊंगा मैं भीग जाऊंगा। आमीन। तो गलती किसने की?
आपने, आपको पता है कि वहां बारिश हो रही है, आपको पता है कि यहां पर सुरक्षा है, लेकिन आपने इच्छा की, आपने डिसीजन लिया कि मुझे जाना है। अगर आप जांचेंगे और 2023 जो बीता है उसको अगर आप ईमानदारी से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैं आपको अगर 10 मिनट दूंगा और 10 मिनट में मैं बोलूंगा कि 23 जो एक साल है पूरा अपनी आंखों के सामने लाइए, कौन से ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जिसमें आप गिरे हैं, कहां पर आप नीचे गिरे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में नहीं हैं, घट रही हैं, कहां कहां फेल हुए हैं। इस 2023 में अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप कहां कहां फेल हुए हैं और अगर आप ईमानदारी से जांचेंगे तो आप महसूस करेंगे कि नहीं, मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, मैंने संसार का साथ दिया, मैंने शैतान का साथ दिया, मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला। परमेश्वर आपको वचन के अनुसार बचाना चाहता है। हालेलुया। एफिसियो 6:12 पढ़िए बेटा। हमें परमेश्वर ने सुरक्षा का आशीष दिया है, इसलिए हमारा जो मलयुद्ध है वो किससे है? शैतान से है। पढ़िए बेटा। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। हालेलुया। हमारा जो मलयुद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, शरीर से नहीं है, आपके भाई से नहीं है, आपके पिता से नहीं है, आपकी माता से नहीं है, जहां आप काम करते हैं उससे नहीं है, किससे है? आकाश में जो अंधकार की सेनाएं हैं उनसे आपका मलयुद्ध है, उनसे आपका युद्ध है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल में एक और भी वचन है जो हमें सुरक्षा का आशीष देता है, रोमियो 8:31, जो हमें बताता है कि हमारे साथ कौन है। हालेलुया, हमारे साथ कौन है? पढ़िए बेटा। 31:31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता Amen. है? हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Praise the Lord. एक तरफ हमारा मलयुद्ध शैतान से, हमारा मलयुद्ध आदमी से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है, किससे है? हमारा बैरी कौन है? हेलो, हमारा बैरी कौन है? अरे एक ही आदमी बोल रहा है, खाना नहीं खा के आए? हमारा बैरी कौन है? हमारा युद्ध किससे है? शैतान से। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक बार में एक तरफ से एक वचन कहता है कि हमारी सुरक्षा का आशीष कौन है? कौन है सुरक्षा? कौन देने वाला है सुरक्षा? परमेश्वर। 8:31 द्वारा पढ़िए। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Amen. हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो महान है। हालेलुया। वो हमें सुरक्षा देता है और वो हमारे साथ है क्योंकि उसने बताया है अपने इकलौते पुत्र का बलिदान देकर, उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया और हमें बचाया। यीशु मसीह ने धरती पर आकर अपने लहू बहाकर हमें शुद्धता दी, हमें पवित्रता दी, हमें पापों शापों से मुक्त किया और हमें अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। लेकिन एक चीज है, अगर बाइबल में खोजेंगे कि आपको स्वर्ग का, आप लोग कहते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, कितने लोग कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे? हालेलुया। कितने लोग कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे? क्या परमेश्वर की इच्छा यह है कि आपको स्वर्ग लेकर जाए? परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या आपको स्वर्ग लेकर जाए? आप ये समझते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है? रोमियो 8:29 पढ़िए।
आज कुछ मैं आपको ऐसे वचन दूंगा जो कहीं ना कहीं आपके दिल को ठेस लगेंगे, क्योंकि मैं मलाई नहीं खिलाऊंगा आज आपको, मैं आपको तीखी चटनी खिलाने वाला हूं आपको, क्योंकि यहां से जाएं तब याद रहे, पसीने निकले आपके, जब मिर्च खाएंगे तो ही पसीना निकलेगा। हालेलुया। 8:29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। आमीन। जिन्हें उसने पहले से ठहराया भी है, हमें ठहराया है, कितने विश्वास करते हैं हम पहले से ठहराए गए हैं, हम पहले से चुने गए हैं, हम उसकी योजनाओं में हैं। हालेलुया। लेकिन अगला वचन क्या कहता है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, स्वरूप में हो। परमेश्वर की इच्छा, हेलो, परमेश्वर की इच्छा आपको स्वर्ग ले जाने की तो है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसके स्वरूप में जिए। इस धरती पर अगर आप यीशु के स्वरूप में जिएंगे तो विश्वास करिए कि आप स्वर्ग को यही अनुभव करेंगे। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके पुत्र के स्वरूप आप जिए, आप में वो स्वभाव आए जो उसके पुत्र में है, इसलिए उसने अपनी आत्मा आपको दी है। हालेलुया। इसलिए वो आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन में और बताता हूं, रोमियो 6:14, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। हाँ। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन हाँ। अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह क्या है कि आप पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। जैसे ही पहले आप जब यीशु मसीह में नहीं थे तो पाप आप पर प्रभुता करता था। अगर हम रोमियो 7:15-19 पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बाइबल कहती है कि मैं जो करता हूं मुझे समझ नहीं आता है। हालेलुया। जल्दी से पढ़िए रोमियो 7:15। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, नहीं करता, क्योंकि मेरे ऊपर पाप प्रभुता कर रहा है। लेकिन जब आप प्रभु में आए, जब आप यीशु मसीह में आए, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास आया, और परमेश्वर का अनुग्रह क्या कहता है कि आप पर पाप प्रभुता नहीं कर सकता। आप संसार में रहते हैं, पाप तो आएगा, आप पाप में से गुजर रहे हैं, लेकिन पाप टिकके नहीं रहेगा, क्योंकि आप यीशु मसीह के लहू से आशीषित हैं। यह प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। कोई गलती करना पाप नहीं है। आप कोई गलती करते हैं, गलती सबसे होती है, गलती करना पाप नहीं है, लेकिन गलतियों को समझ करके हां मैंने गलती की है और फिर वही गलती करना पाप है। कोई नहीं समझा? हां के ना। गलती करना पाप नहीं है, लेकिन एक बार आपने समझा कि हां मैंने ये गलती की है और ये गलत है, उसके बाद भी अगर आप उस गलती को करते हैं, वो काम करते हैं, तो वो पाप है, वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। हालेलुया। तो यहां पर हमने क्या जाना कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है कि पाप आप पर प्रभुता नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हमने क्या देखा कि शैतान जो है, जो कि हमारे विरोध में है, हमारा जो युद्ध है वो मलयुद्ध जो मांस और लहू से नहीं है, शैतान से है जो तीसरे आकाश में है। हालेलुया। और हमने ये भी देखा कि परमेश्वर हमारे साइड में है, हमारे साथ में। कौन है हमारे साथ? अब एक चौंकाने वाला वचन मैं आपको दूंगा, James 4:6। क्यों 2023 में आपको सफलता नहीं मिली, ये वचन आपके सामने आ रहा है, और अगर यह वचन आपके साथ अभी भी रहा तो 2024 में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। 2023 में सफलता क्यों नहीं मिलेगी, ये वचन देखिए। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन।
अगर आप अभिमानी हैं, अगर आप अभिमान से भरे हैं, तो परमेश्वर आपका विरोध करता है। इसलिए कई परिवार मसीह होने के बाद भी उनके घर में झगड़ा है, उनके घर में सुकून नहीं है। आप मसीह हैं कई सालों से, लेकिन आपके घरों में आपके धंधे आशीषित नहीं है, आपकी नौकरी टिक नहीं रही है, और जहां आप नौकरी करते हैं वहां पर आशीषित नहीं है, आपके घर वाले आपको नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि वचन क्या कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। हालेलुया। कई विश्वासी ये समझते हैं कि ये वचन हमारे लिए नहीं है। अरे हम तो चढ़ जाते हैं, हम तो दान दशांश देते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, ये वचन हमारे लिए नहीं है। आप गलत समझते हैं, ये वचन आपके लिए है। और आपको पता है कि सेम वचन, एक जैसा वचन नए नियम में दो बार लिखा है। पहला पत्रस 5:5, इसी वचन को पत्रस ने भी लिखा है, क्योंकि यह वचन इतना इंपॉर्टेंट है। इस वचन को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। पढ़िए बेटा 5:5। इस प्रकार हे नवयुवको, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। अगर परमेश्वर आपके विरुद्ध है तो कोई आपके साइड हो सकता है? क्यों नहीं आपका आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं? क्या कमी है आप में? क्योंकि आप में स्वभाव में अभिमान है, अभिमान है। मैं सुंदर हूं, अभिमान है। मेरी आवाज अच्छी है, अभिमान है। मैं 50,000 कमाता हूं, अभिमान है। मैंने अपनी बुद्धि से यह काम किया है, मैं कमाता हूं, अभिमान है। हेलो, मैं अपने परिवार को पालता हूं, अभिमान है। आमीन। परमेश्वर की दृष्टि में हम कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं मेरे भाई, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप कर रहे हैं, तो आप गलत समझते हैं, आप गलत समझते हैं। परमेश्वर है जो आप पर अनुग्रह कर रहा है। वो क्या कहता है? वो दीनों पर अनुग्रह करता है। वो दीनों पर अनुग्रह क्यों करता है? जब आप दीन बनकर उसके चरणों में आते हैं और उससे कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको दलदल से निकालता है, आपको अच्छे लोगों से मिलवाता है, आपको बुद्धि देता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपके हाथों में कला देता है, आपको बोलने की सलाहियत देता है, आपको समझने की बुद्धि देता है, जब आप दीन बनकर उसके सामने जाते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर आपके साथ होता है। और वचन 8:29 कि वो आपके 8:31 कि वो आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एग्जांपल देखते हैं हम, लूका 18, बहुत अच्छी सा एग्जांपल है। देखिए लूका 18:9-14। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है कि दीनता और अभिमानी में क्या फर्क है। हेलो, ध्यान से इस वचन को समझिए, क्योंकि बहुत से इस वचन के द्वारा आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए। पढ़िए बेटा। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे कि हम कि ये दृष्टांत का दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। दो व्यक्ति वहां पर हैं, एक अभिमानी है और एक दीन है। हालेलुया। एक फारसी है जो विद्वान है,
जो व्यवस्था जानता है और हफ्ते में दो बार उपवास करता है, बाइबल भी पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है, उसके बारे में और एक चुंगी लेने के बारे में, जो चुंगी लेता था यानी कि वो पाप करता है, लोगों का दिल दुखाता है, लोगों को कर्ज देता है, उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। पढ़िए। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हालेलुया, आमीन। इस फारसी के प्रार्थना में क्या था? अभिमान। क्या था? कि मैं दो बार प्रार्थना करता हूँ, मैं दर्शन देता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं आराधनालय भी जानता हूँ और इसकी तरह नहीं हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, क्या आपके जीवन में कोई फारसी है? क्या आप फारसी की तरह हैं? क्या आप जब प्रार्थना करते हैं अपनी मैं दिखाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मैं को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए जो अहम है, मैं है, उसको आपको पूरी तरीके से अगर आप अंदर नहीं निकालेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप उस मैं के साथ जिएंगे तो आप अभिमान को रिप्रेजेंट करते हैं। हालेलुया। हम मसीह हैं। सबसे बड़ी दीनता हमारी यही है कि हमें परमेश्वर ने कबूल कर लिया है। हालेलुया। हमारी दीनता पता क्या है? आप प्रार्थना करते हैं, कितने लोग अपने स्वभाव के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा स्वभाव प्रभु जैसा हो जाए, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि आपका स्वभाव प्रभु जैसा हो जाए। हालेलुया। चुंगी वाला दिखाइए, इसका अगला पार्ट पढ़िए। मैं सप्ताह में दो बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दसवां अंश भी देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। आमीन। क्या करता चुंगी वाला? चुंगी वाला कहता, आई एम सॉरी प्रभु, मैं आपकी तरफ देख भी नहीं सकता, मैं इस काबिल नहीं हूं। मेरे भाई, अगर आप अपने पाप को पहचानते हैं तो परमेश्वर आपको आपसे प्यार करता है। अगर आप गलती करके ये कहते कि नहीं मैंने गलती नहीं की है, परमेश्वर आपका विरोध करता है। परमेश्वर आपका विरोध करता है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपनी गलतियों को, परमेश्वर आपका विरोध करता है। आपसे गलती हुई है, एक्सेप्टेड, पहले करिए, किसी के बोलने से पहले करिए, आई एम सॉरी। दीन बनिए। दीनता का मतलब क्या है? दीनता का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में पहला उपदेश यही दिया था, धन्य है वो जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का अधिकारी वही है। आपको पता है बाइबल में मन को शैतान कहा गया है, मन को शैतान के साथ मिलाया गया है। दूसरा कुरिन्थियन 11 का 3 पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियन 11 का 3। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कई भ्रष्ट ना किए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे शैतान ने हव्वा को बहकाया, उसी तरीके से आपका मन कहीं आपको ना बहकाए। हेलो, आपका मन। यिर्मयाह 17 का 9 पढ़िए। मन क्या है? मन आपको कितना दूर कर देता है और कितना दूषित बना देता है, आपका मन। यिर्मयाह 17 का 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ, उसमें
असाध्य रोग लगा है उसका भेद कौन समझ सकता है? सबसे धोखा देने वाला कौन है? आपका मन। बोलिए मेरा मन, जो सबसे धोखा, सबसे बड़ा धोखा देने वाला है, क्योंकि आपका मन आपको सही साबित करता है। आपका मन आपको सही साबित कर, मैं सही हूं। आप सिचुएशन को समझते नहीं है, आप ऑब्जर्व नहीं करते कि क्यों हो रहा है ये, मेरी गलती कहां थी। हो सकता है मेरी गलती हो, अगर मेरी गलती है एक्सेप्ट इट। आपने गलती नहीं मानी, आपके मन ने कहा आप सही हैं, आपने दूसरे पर दोष लगा दिया। बाइबल क्या कहती है पता है आपको, कि किसी पर भी दोष लगाने से पहले उसके लिए प्रार्थना करिए। क्या आप जिस पर दोष लगाते हैं आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप जिस पर दोष लगाते हैं क्या आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं? क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर कोई तेरा तुझे दुख दे तो तू उसके लिए प्रार्थना कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है अगर आप किसी को धोखा देते हैं, अगर आप किसी को दोष लगा रहे हैं और अगर आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले उसके लिए प्रार्थना करिए, तब आप उसको समझाइए। अगर आप बिना प्रार्थना के उसको समझाएंगे तो शैतान काम करेगा, और अगर आप प्रार्थना करके उसे समझाएंगे तो प्रभु काम करेगा। क्या चाहते हैं आप, आपके जीवन में प्रभु काम करे या शैतान? आमीन। प्रार्थना करिए किसी को समझाने से पहले, तो क्या होगा, जो आपका असाध्य रोग वाला मन है, जो अधिक धोखा देने वाला मन है, वो आपके काबू में रहेगा, आपके काबू में रहेगा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। दास का स्वरूप धारण किया, आप सोचिए यीशु मसीह ने कौन सा स्वरूप धारण किया? दास का स्वरूप, सेवक नहीं। सेवक को तब भी तनख्वाह मिलती है, जो खरीदा हुआ दास होता है उसको तनख्वाह नहीं मिलती है। यूसुफ को खरीदा था पोतीपर ने, उसको कोई तनख्वाह नहीं थी, उसको दाम देके ले लिया था मोल। हमें भी यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लिया है। और यूसुफ जो था वो अधीन था, वो दास के स्वरूप में था। नौकर को तो तनख्वाह मिलती है, दास को तनख्वाह भी नहीं मिलती है। और वो क्या कहता है कि उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया। आपको पता है यीशु मसीह की दीनता क्या है? वो परमेश्वर, वो स्वर्ग से जमीन पर आया, वो परमेश्वर का पुत्र बना, धरती पर पुत्र बना, उसके बाद उसने दास का स्वरूप धारण किया, और उसके बाद उसने क्रूस पर वो मौत स्वीकार की जो एक क्रिमिनल को दी जाती है, एक सजा याफ्ता आदमी को दी जाती है। उसने कोई पाप नहीं किया था, हमारे और आपके लिए उसने वो सजा की ताकि हम और आप पापों से मुक्त हो जाएं, श्रापों से मुक्त हो जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो दीन बना, वो आप दीनता को समझ रहे हैं? 18 साल तक अपने मां बाप के अधीन रहा वो, जब तक प्रभु ने नहीं कहा। वो काम करता था, उसके भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे। बाइबल कहती है यूहन्ना 7 में कि उसके भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे, मजाक उड़ाते थे उसका। वो छोटी सी कोठरी में रहता था एक, जहां पर 7 लोग रहते थे, एक छोटी सी कोठरी में रहता था, जिसके भाई थे मजाक उड़ाते थे। उन सब के बीच में
अधीन बनकर रहा। कितने दिन? 18 साल। आप अपने घर में 18 मिनट अधीन नहीं रहते, क्या रहते हैं? 18 दिन, 18 साल। बाइबल कहती है, वचन कहते हैं, वो अधीन बनकर रहा। क्या इच्छा है परमेश्वर की? हम यीशु जैसे हो जाएं। हम कब यीशु जैसे होंगे? जब हम उस दीनता को स्वीकार करेंगे, जब हम अपने आप को अधीन करेंगे। जो हमें दिखता है, अगर हम उससे प्यार नहीं करते, जो हमें नहीं दिखता, हम उससे कैसे प्यार करेंगे? यूहन्ना ने हमें यह वचन दिया है। यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना 4:20, जो आपको दिखता है, अगर आप उससे प्यार नहीं कर सकते, तो जो आपको नहीं दिखता, उससे कैसे प्यार करेंगे? क्योंकि आप में अभिमान है, इसलिए परमेश्वर आपके विरोध है, इसलिए परमेश्वर आपके विरोध में है, इसलिए आपके जीवन में सुकून नहीं है, इसलिए आपके मसीहों के जीवन में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, आप बच्चों पर शक कर रहे हैं, बच्चों के लिए आप दुखी हैं, घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके विरोध में है, क्योंकि आप में अभिमान है। अपने आप को बचाइए। बहुत जरूरी है कि हम आज की रात अपने आप को समझें और अपने अंदर से इस अभिमान को निकाल दें। जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह पर इल्जाम लगाने और पकड़वाने के लिए बात की, अपने मन में धारण किया, तो यीशु मसीह ने उसे भी बचाने की कोशिश की। आप सोचिए, यीशु मसीह स्वर्ग से, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह को मिल चुका था। अगर अब यूहन्ना 13 पढ़ेंगे, उस समय तक स्वर्ग और धरती का अधिकार यीशु मसीह को मिल चुका था, उसके बाद भी उसने अपना, जिसे वो अंग अपना पहुंचता था, उस टॉवल को निकालकर उसने अपने चेलों के पैर धोए। हालेलुया। और उसके भी पैर धोए यहूदा के, जो उसे पकड़ाने वाला था। उसे पता था कि ये मुझे पकड़वाने वाला है, उसके बाद भी उसने उसके पैर धोए। हालेलुया। और उसने कहा कि तुम में से कोई है जो मुझे पकड़वाएगा? उसने ये भी कहा कि मैं तो मरने वाला हूं, मैं तो क्रूस पर जाऊंगा ही, लेकिन हाय उसके ऊपर जिसके द्वारा मैं पकड़वाया जाऊं। अच्छा होता कि वो जन्म ही ना लेता। और ये सारी बातें वो किसके सामने कर रहा है? यहूदा इस्करियोती के सामने कर रहा है। लेकिन फिर भी यहूदा इस्करियोती ने पश्चाताप नहीं किया, फिर भी उसके अंदर दीनता नहीं आई, फिर भी उसने स्वीकार नहीं किया कि प्रभु तो ज्ञानी है, तू ही है, क्योंकि उनके अंदर अभिमान था। अभिमान कठोरता को लाता है। वो चला गया उसने 30 सिक्के लिए कि मैं इसको पकड़ाऊंगा। अरे यीशु की दीनता के बारे में आप सोचिए कि जब गतसमनी के समय जब सेना आ रही है उसको पकड़ने के लिए, और वहां पर पतरस है, और पतरस ने वहां पर मखलूस, वहां का जो सैनिक था, उसका कान काटा। हेलो, याद है आपको? पतरस ने उसका कान काटा। लेकिन यीशु मसीह की दीनता के बारे में आप देखिए, वो उठा और उसने उस सैनिक का कान जोड़ दिया जो उसे पकड़ने के लिए आया था। तालियां नहीं बज रही कोई है? उसी का कान जोड़ा जो उसे पकड़ने के लिए आया था, जिसने उसके यीशु मसीह के खिलाफ तलवार उठाई थी, उसी का उसने कान जोड़ा। यही तो यीशु है। आमीन। उसमें अभिमान नहीं था कि अरे मैं चाहूं तुझे अभी निकाल सकूं। निकाल सकता था, कर सकता था। दीनता का स्वरूप था।
इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था, इसलिए परमेश्वर की आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। आमीन। मेरे भाई, अगर आप 2024 में चाहते हैं कि असंभव चीजें संभव हो आपके जीवन में, अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में उन्नति हो, एक ही लेसन है, एक ही शिक्षा है, और वो है अपनी परमेश्वर की दीनता को स्वीकार कर लीजिए। परमेश्वर की दीनता को स्वीकार करिए। आपने कभी भी यीशु मसीह को प्रचार करते हुए देखा होगा? आप मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह बैठ के प्रचार किया करते थे, बैठ के प्रचार किया करते थे। आमीन। पुराने नबियों को देखिए, वो खड़े होकर शिक्षा देते थे, खड़े खड़े शिक्षा देते, लेकिन यीशु मसीह बैठ के करते थे। आमीन। क्या था उनके प्रचारों में, यीशु मसीह के प्रचार में? वो एक परिवार बनाना चाहते थे, वो आपको पिता से मिलवाना चाहते थे। आमीन। कि मैं तुम्हें पिता से मिलवाने आया हूं। क्या कहते थे? कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो मेरा पिता कहता है वो मैं करता हूं। 12:49, यूहन्ना 12:49, मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने लोगों के सामने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लेकिन वो क्या कहता है? मैं कुछ भी नहीं हूं। यूहन्ना 12:49, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। आमीन। आमीन। और हमें परमेश्वर ने क्या दिया है? ये बाइबल। हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना है, हमें परमेश्वर ने ये दिया है, हमें इसमें से बोलना है। अगर आप इसमें से नहीं बोलते हैं, अगर आप इसके अनुसार नहीं चलते हैं, तो आप उस अभिषेक को हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं काम की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। अगर हम यीशु मसीह के स्वरूप में अपने आप को नहीं ढालेंगे, अगर यीशु मसीह का स्वभाव हम में नहीं आएगा, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप फिर 2024 में भी अशांत रहेंगे, निराश होंगे, कभी काम होगा कभी नहीं होगा। सबसे बड़ी दीनता है, उसको स्वीकार करिए। खुद अपने आप निर्णय मत लीजिए, परमेश्वर के सामने घुटने पर आइए। जब वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया, 8:32 का कहता है, रोमियो 8:32, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। आमीन। जिसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, उसने हमारे लिए उसको दे दिया, तो वो आपको नौकरी, आपके धंधे पर आशीष, आपके जीवन में सुख, आपके लड़कियों के लिए शादी, लड़कों के लिए शादी क्यों नहीं करेगा? हेलो, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप में दीनता नहीं है, आप में अभिमान है, आपके रिश्ते में अभिमान है, आपके धंधे में अभिमान है, आपके दिमाग पर अभिमान है। मैं जानता हूं यार, मैं कर लूंगा। अभिमानियों के परमेश्वर विरोध करता है। दीन बनिए, स्वीकारिए कि मैं कुछ भी नहीं हूं। सुबह उठते बोलिए कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे तेरी जरूरत है, मेरे हर क्षेत्र में मुझे तेरी जरूरत है, मुझे घर में तेरी जरूरत है, मेरे बच्चों के जीवन में तेरी जरूरत है, मेरे धंधे पे तेरी जरूरत है,
मेरी बुद्धि पर तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं नहीं जानता हूं आज का दिन मैं कैसे जीऊंगा, आज का दिन मैं जा रहा हूं मुझे नहीं पता मैं कैसे बात करूंगा, मुझे तेरी जरूरत है। जिस दिन जिस पल आप इस चीज को स्वीकार करेंगे, जिस दिन आप इस चीज को स्वीकार करेंगे, मैं आपको सच कह रहा हूं, उस दिन आप प्रभु को अपने साथ पाएंगे। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियन 12:9 क्या कहता है पौलुस, अनुग्रह उसकी निर्बलता में ही परमेश्वर का सिद्धता है। अनुग्रह 12:9 पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। उसकी सामर्थ कहां सिद्ध होती है? जब आप निर्बल होते हैं, जब आप अपने आप को निर्बल रखते हैं उसके सामने कि मैं नहीं सोच सकता, मैं अगला क्या डिसीजन लूं, तू बता मैं कहां जाऊं, बहुत से रास्ते हैं, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं। हमें रोज अपने आप को प्रभु के सामने डालना है, रोज 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 हमें दीन बनना है, रोज हमें अपने सामने निर्बल होकर उसके सामने जाना है, तब आप देखिए उसका सामर्थ आपके सामने आएगा, तब उसके आप देखिए उसके सामर्थी बुद्धि आपके अंदर जीवन में काम करेगी, आप खुद महसूस करेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद, आप अगर नहीं करते तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप प्रभु प्रभु आपके लिए है, प्रभु तैयार है आपको बुद्धि देने के लिए। कितने लोग चाहते हैं कि 2024 में आपको सफलता मिले हर क्षेत्र में? अगर आप चाहते हैं तो वाचा बांधिए, अपने जीवन से अभिमान को निकालिए, इस मैं को निकालिए, क्योंकि आप जान गए हैं कि अभिमानियों का परमेश्वर विरोध करता है, और अगर परमेश्वर विरोध कर रहा है आपको तो कौन आपके साथ है? कोई आपके साथ है अगर परमेश्वर आपके विरोध में है? हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि 2024 आपके जीवन में अद्भुत आशीषों की बारिश करे, और मैं चाहूंगा कि हर संडे आप ये गवाही यहां पर दें कि किस तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। जब आप निर्बल बनकर दीन बनकर उसके सामने जाएंगे, उसके घुटने टेकेंगे, उससे पुकारेंगे, प्रभु आएगा और वो आपको आशीष देगा। हालेलुया, कितने वचन को समझा है, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करिए प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। बोलिए प्रभु, मैं तेरे सामने अपने आप को नतमस्तक करता हूं, अपने अभिमान को, अपने अहम को तेरे सामने निकाल फेंकता हूं। इस गलत विचार को मैं यीशु मसीह का गुलाम बना देता हूं, और चाहता हूं कि तेरी करुणा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में 2024 में दिखे, और मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।